वेलकम टू ईजिएस्ट एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे डिनेबलिंग। डिनेबलिंग क्या होता है? तो आपको जो ये केले का पौधा दिख रहा है, बनाना का, उसका फल भी लगा हुआ है, तो इसमें फल के नीचे जो रेड कलर का फ्लावर दिख रहा है, इसको रिमूव करेंगे। जब फल बनना बंद हो जाता है तो इसको रिमूव कर देते हैं, इसी प्रक्रिया को डिनेबलिंग कहते हैं। और थोड़े से डिफिनेशन के मामले में देखा जाए तो रिमूवल ऑफ मेल बड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ फीमेल फेज इज नोन एज डिनेबलिंग। अर्थात मेल बड को हटाना कब? तो जब फूल फल बनाना बंद कर दे, तो फूल को अर्थात मेल फ्लावर को रिमूव करना ही डिनेबलिंग कहलाता है। और डिनेबलिंग का पर्पज क्या है, हम डिनेबलिंग क्यों करेंगे? तो डिनेबलिंग करने का मतलब ये फ़ायदा ये है कि अगर फल बनना बंद हो जाए तो फल को अच्छी तरीके से ग्रोथ होने के लिए नीचे से मेल फ्लावर को रिमूव कर देते हैं, ताकि ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ले रहा था, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ये फूल ना लेकर के फ्रूट्स को डेवलप करने में मदद करेगा। तो हुई ना काम की बात, जैसे कि हमारा जो न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा दे रहा था इस फालतू फूल को बढ़ाने में, वही न्यूट्रिएंट हमारे फल को बढ़ाएगा और इसकी साइज को बड़ा करेगा, इसमें चमक लाएगा और अच्छी तरीके से डेवलप होगा, जिससे क्या होगा कि हमारी फल की साइज बड़े बड़े होंगे और फल में चमकदार आएगा। अर्थात कहने का मतलब सीधी सी बात कि फल कंप्लीट होने के बाद मेल फ्लावर को रिमूव करना ही डिनेबलिंग कहलाता है। हम तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिनेबलिंग होता क्या है, क्यों करते हैं। तो धन्यवाद।